जय श्री कृष्ण। मित्रों आज मैं आप सबको गरुण पुराण के 11वां अध्याय हिंदी में बताने जा रहा हूँ। मित्रों हिंदू धर्म के वेद पुराण में गरुण पुराण एक है। गरुण पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्रदान करने वाला है, इसलिए मृत्यु के बाद गरुण पुराण की कथा के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण में मनुष्य को पाप कर्मों से बचने का प्रावधान बताया गया है। इस गरुण पुराण के अधिष्ठात देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान विष्णु तथा गरुण के संवाद में गरुण पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन 10 गात्र के पिंड दान से यातना देह का निर्माण के बारे में बताया गया है। इसलिए यह गरुण पुराण हमें सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में व्यक्ति को प्रवृत्ति करने के लिए अनेक अलौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इसके पिछले 10 अध्याय नहीं देखे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले अगले भाग का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। आइए अब शुरू करते हैं गरुण पुराण का 11वां अध्याय। मित्रों गरुण जी बोले, हे केशव, आप 10 गात्र विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए? यहाँ 10 गात्र का अर्थ है मृतक संबंधी एक कर्म जो उसके मरने के पीछे 10 दिनों तक होता रहता है। इसमें प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है। पुराणों में लिखा है कि इसी पिंड के द्वारा क्रम क्रम से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पूरा हो जाता है। जैसे पहले पिंड से सिर, दूसरे से आंख, कान, नाक इत्यादि। गरुण जी के बार बार अनुरोध करने पर श्री भगवान बोले, हे ताक्षरी, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको धारण करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र को पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य 1000 वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी प्राणी कभी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस असंभवी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापिस आ सके। असंभवी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम, युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी से भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यधिक सहवास की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसा नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता ही क्या है। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका समय के चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुण,
पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दस गात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु महाराज ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में से कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंड दान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए, क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की औधर दैविक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत की संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का दस गत्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दस गात्रादि क्रिया नहीं कर सकता है। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दस गात्र सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दस गात्र सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक ही को करना चाहिए, किंतु सांसवतरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक कर सकते हैं। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दस गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की सात बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। दस गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्यमा यानी मध्यान्ह काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे, उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भ्यमय ब्राह्मण को स्थापित करके पदादि से उसका पूजन करे और उसे प्रणाम करे। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी यानी आटा से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसीर यानी खस, चंदन और भृगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नवेद्य, मुखवास यानी तांबूल फल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करे। तदंतर काकनान, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान यानी वृद्धि कर्म से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करे। वृद्धि कर्म से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि यहाँ पर जो व्यक्ति मरा है उसका नाम लेकर यह पिंडादि सामग्री उसे प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अत्यंत फल प्राप्त होता है यानी अच्छा तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए यानी शरीर में तेल लगाने की क्रिया या भाव को तैलाभ्यंग कहते हैं, और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लाज यानी लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि हे दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो, ऐसा कह करके दुर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्र सम्मत नहीं है। यह शास्त्र निषिद्ध होने के कारण मांस यानी उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन छौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए, क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए।
10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अनंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुण पुराण के अंतर्गत सारो द्वार में 10 गत्रादि विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों मुझे आशा है कि आप सबको गरुण पुराण का 11वां अध्याय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मित्रों अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर बेस पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार पूजा पाठ और वेद पुराण में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।